हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना एक नया वीडियो, एकदम फ्रेश वीडियो यूनिट नंबर 5 का, ऑल न्यूमेरिकल वन शॉट। इस वीडियो के बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है। मोस्टली केसेस में इसके बाहर नहीं आते हैं, मतलब 95% चांसेस है इसके बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा AKTU एग्जामिनेशन में। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MM परसेंटेज M। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैंने आपको बताया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स VM/VC होता है, और ये मैंने कहा भी था कि आप इसको बॉक्स में इनक्लोज कर लीजिए, नोट्स में कहा भी था पिछले वीडियो में, ये आप वहाँ पे उसको बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, लिख लीजिए। ये मैंने उस वीडियो में नहीं बताया, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन। तो अगर आपसे कभी मॉड्यूलेशन पूछा भी गया है तो भी आप उसका परसेंटेज मॉड्यूलेशन पेपर में लिख के आएंगे, कंपलसरी है, क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे तो पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m इन परसेंटेज मॉड्यूलेशन। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल r इतना, और दूसरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल WM दिखा दे रहा है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की है या मैसेज सिग्नल की है। कैरियर सिग्नल ओमेगा सी दिखा दे रहा है तो ये इसकी है। तो VM की वैल्यू, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, इससे पता चल जाएगी कि यहाँ पे ओमेगा एम होता था, यहाँ पे VM होता था, तो VM साइन ओमेगा MT। तो VM की वैल्यू है, VC की वैल्यू यहाँ से है, VC साइन ओमेगा CT। तो यहाँ से डिवाइड करा, हमारे पास M आ गया 0.8, और परसेंटेज मॉड्यूलेशन इन 200 कर देना, 80% आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरियर ऑफ 10 वोल्ट पीक एंड फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय साइन वेव ऑफ 44 वोल्ट पीक, ठीक है। तो कैरियर की वोल्टेज दे दिया है, कैरियर का वोल्टेज पीक दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो रही है बाय साइन वेव ऑफ 4 वोल्ट पीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें VC की वैल्यू दी हुई है, FC की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। डायरेक्टली आपको इक्वेशन नहीं दी हुई थी, जो ऊपर वाले में दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे वैसे कंटेंट दिया हुआ है, VM दिया हुआ है, FM दिया हुआ है। निकालना क्या है, डिटरमाइन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, सिंपल है, M=VM/VC कर देना, परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकाल देना। ड्रॉ द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए क्या चाहिए होता है। अब देखो, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो LSB, इसको क्या लिखते थे, FC माइनस FM लिखते थे, तो FC-FM निकाल दिया मैंने, FC की वैल्यू है, FM की वैल्यू माइनस कराई आ गया किलोहर्ट्ज़ में। USB की वैल्यू के लिए हमने FC+FM करा, क्लियर हो गया। इधर लिखते थे MVC/2, VC की वैल्यू है, M की वैल्यू है, upon 2 कर देना, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, यहीं पे ये भी आ जाएगी। और इसको कैसे लिखते थे, VC, तो VC की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है। एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 10 sin 2π/500t इज यूज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर ये है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो दिया होता है तो वो जनरली रिप्रेजेंट करता है हमारे किसे, जो मैसेज सिग्नल है। कैलकुलेटिंग द परसेंटेज m, तो ये क्या है 10, VM, ये क्या है VC, तो VM/VC कर देना। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी PSB, दैट इज मुझसे पूछा है FUSB और FLSB, तो FC+FM करूंगा, FC-FM करूंगा, तो FC की वैल्यू 2π f क्या होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो मैंने इसको, तो यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो F की वैल्यू 500 हर्ट्ज़ है, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो हर्ट्ज़ ही मान लेके चलेंगे, और 10^5 हर्ट्ज़ है। तो FC+FM से 10^5 + 500 हर्ट्ज़ हो गया, और FLUSB FC-FM 10^5 - 500 हो गया। पूरा सॉल्व करके लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे हम, एम्पलीट्यूड निकालते थे MVC/2 से, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड MVC/2 से, तो M की वैल्यू रखी, VC की वैल्यू रखी, upon 2 कर दिया, आंसर आ गया 5। बैंडविड्थ की बात करते हैं, तो बैंडविड्थ कैसे निकालते थे, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ 2x FM, तो 2x FM कर दिया, ठीक है। तो 2×500 हर्ट्ज़ आ गया, ये 1 kHz। टोटल पावर डिलीवर्ड कैसे निकालते थे, PT=PC1+M²/2, ये भी मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज करने के लिए कह दिया था, तो वहीं से लग गया है, तो 1+M²/2 आ गया। लेकिन यहाँ पे PC की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, तो PC को तोड़ लेंगे, क्योंकि PC का फॉर्मूला क्या था, VC²/2R। VC की वैल्यू है, R की वैल्यू है, यहाँ पे R की वैल्यू मैंने मेंशन नहीं करी है, तो R की वैल्यू आप यहाँ पे ले लीजिएगा 1000 ओम्स, ठीक है। 1000 ओम्स का आपका लोड रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन में यहाँ पे 600 ओम्स मेंशन था, ठीक है, तो वो मैंने मेंशन नहीं करा है। फिलहाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर आएगा 2.125 वाट। अगला है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसमें दूसरा पार्ट क्या निकालना था, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के क्या करेंगे, M²/2+M², ऊपर निकाली दिया है, M² कर देना, M²/2+M² कर देना, आंसर आ जाएगा ईटा का कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो परसेंटेज ईटा में इसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, तो परसेंटेज ईटा आ गया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अ 400 वॉट कैरियर मॉड्यूलेशन टू अ डेप्थ ऑफ, तो जब डेप्थ ऑफ दिया हो तो वो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया था। तो यहाँ पे हम 0.8 रख देंगे, 0.8 का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एफिशिएंट परसेंटेज में है, तो यहाँ पे हमारा बिना परसेंटेज में रखा जाता है, एम हमेशा बिना परसेंटेज के रखा जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट टोटल पावर, तो टोटल पावर आप इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है, PT की वैल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर रेडिएट्स 20 kW व्हेन मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 75, कैलकुलेट द कैरियर पावर, ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच साइड बैंड। तो अब ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर रेडिएट कर रहा है, तो ये मुझे कितना दिया हुआ है, PT दिया हुआ है। जब कोई भी पावर कैरियर एरिया नहीं लिखा हो तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है, PT को, व्हेन मॉड्यूलेशन परसेंटेज इज 75। एम की वैल्यू 0.75 दी हुई है, कैलकुलेट कैरियर पावर, तो PC की वैल्यू डायरेक्टली पूछिए, तो PC की वैल्यू देखो मैंने यहाँ से सॉल्व करके निकाल दिया है। ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच साइड बैंड, पावर ईच साइड बैंड की कितनी होती है, M²/PC/2। एम्पलीट्यूड क्या होता है, MVC/2,
तो वो वैसे निकलेगा। यहाँ पे PLSB USB पूछा गया है, तो एम स्क्वायर पी सी बाई 4 से निकाल देना, एम की वैल्यू है, पी सी की वैल्यू है, 4 डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द RMS करंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, RMS करंट ऑफ ट्रांसमिशन AM वेव इज इंक्रीज बाई 15%। मतलब आपसे सीधे सीधे कह दिया गया, कोई करंट नहीं दिया हो तो वो IT बोल दिया था, कैरियर अगर नहीं लिखा हुआ है तब, ठीक है, तो IT हो जाएगा हमारे पास IC प्लस 15% ऑफ IC, तो IT हो गया IC प्लस 15 बाई 100 ऑफ IC, तो IT की वैल्यू आ गई 1.15 IC, क्लियर है, सॉल्व करोगे जब आप इसे, तो IT की वैल्यू में 1.15 IC रख देना, IC से IC कट जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमसे M की वैल्यू ही पूछी है, क्लियर है, M की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ M एंड बैंडविड्थ फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन को भी मैंने कहा था आपसे, ब्रैकेट में इनक्लोज कर लीजिएगा, यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट करता है VC को, ये रिप्रेजेंट करता है MVC को, और बाकी ये तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज़ ओमेगा सी की, और ये किसकी होती है, ओमेगा एम की होती है, ठीक है, ये ओमेगा एम की होती है, ये ओमेगा सी की होती है, ठीक है, तो VC की वैल्यू 10 आ गई, MVC की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, तो M की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये 100 है, तो ये क्या है, FM है, ये क्या है, FM है, और ये क्योंकि 2πfm, ये इसको कैसे लिखते थे, ओमेगा MT लिखते थे, ये होता था 2π50, दैट इज़ वो ओमेगा सी लिखते थे, तो FM की वैल्यू 100 है, तो मुझे बैंडविड्थ निकालनी है, इसलिए मैंने FM को लिया है, तो बैंडविड्थ होता है 2 times FM, तो 2 times FM कर दिया हमने, क्योंकि ये क्या है, ये वाली फ्रीक्वेंसी किसकी, FM है, क्योंकि यहाँ हम क्या लिखते थे भाई, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या क्या लिखते थे, ओमेगा एम ही तो लिखते थे, साइन ओमेगा MT, तो ओमेगा एम को तोड़ोगे तो 2πf होता है, तो 2πfm लिख दिया, क्लियर है, बस वहाँ से ये इस तरीके से हो गया है। क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन वो लिया है जो AKTU एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से बना दिया, सारे के सारे आ चुके हैं, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे वो 10 मार्क्स में हो, क्लियर है। तो असर्टेन ट्रांसमीटर रेडिएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्टेन ट्रांसमीटर रेडिएट्स कर रहा है 9 kW विद कैरियर अनमॉड्यूलेटेड, ठीक है, कैरियर अनमॉड्यूलेटेड का मतलब है कि मुझे PC की वैल्यू दी हुई है, एंड 10.125 व्हेन कैरियर इज साइनसोइडली मॉड्यूलेटेड, मतलब PT दिया हुआ है, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इफ़ अनदर साइन वेव। अब यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियसली ट्रांसमिटेड को ऐड कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने आपको एक डब्बे में इनक्लोज करने के लिए कहा था कि एक जब हमारे पास जब दो मॉड्यूलेटेड वेव साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेट करी आती हैं, तो उसका एम का जो एक्सप्रेशन का बनता है एम इफेक्टिव का, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ M1² M2² M3² प्लस इस तरीके जितने तक भी जा रहा है, तो यहाँ पे दो हैं तो सिर्फ M2² तक रहेगा। तो अभी हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले M निकालेंगे पहली वाली वेव का, तो M निकाल दिया हमने पहली वाली वेव का, दैट इज 0.50। MI दूसरे का दिया हुआ है विद MI एज 0.4। MI क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिटरमाइन द टोटल रेडिएट पावर। तो जब हम PT निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, PC 1 plus M² by 2, लेकिन यहाँ पे जो M² आएगा वो दोनों का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और दोनों का एड का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एडिशन, ठीक है, स्क्वायर के एडिशन का रूट, तो M इफेक्टिव आ गया 0.64। यहाँ पे रख दोगे, PT की वैल्यू आ गई 10.84 kW, क्लियर है, क्योंकि 9 किस में था, kW में था, क्लियर है। नेक्स्ट है, द एंटीना करंट ऑफ द AM ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ, द M दिया हुआ है बाय एन ऑडियो साइन वेव ऑफ 11 एम्पियर। जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या लेते थे, IT फाइनल करंट, दैट इज टोटल करंट लेंगे, क्योंकि ये एंटीना करंट की बात चल रही है, तो IT आ गया। इट इंक्रीजेस टू 12 एम्पियर, 12 एम्पियर पर इंक्रीज हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम इतने कंटेंट से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने IT दिया हुआ है, IC को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से IC को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, दैट इज 10.58। अब देखते हैं आगे, तो हमें क्या करा, क्योंकि देखो IVT की वैल्यू दी हुई है, M1 की वैल्यू दी हुई है, पुट करा फॉर्मूले में, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि अपने पिछले वीडियो में से सारा का सारा रेफरेंस जो है इन सारे फॉर्मूलेस का वीडियो पिछले वीडियो में है, वो एक वीडियो और ये वीडियो को देख लीजिए, यूनिट 5 आपकी कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास IC की वैल्यू आ जाएगी, IC की वैल्यू होगी 10.58 सब वैल्यू को रखने के बाद। अब क्या दिया हुआ है कि इट इंक्रीजेस टू 12 एम्पियर, मतलब अब IT बढ़ गया 12 पे एज अ रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस मॉड्यूलेशन बाय अनदर ऑडियो साइन वेव। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द सेकंड साइन वेव। तो अब यहाँ पे देखो IT की वैल्यू तो आप 12 इस्तेमाल करोगे, IC की वैल्यू जो ये निकाली है, M² की जगह क्या रखोगे, अंडर रूट ऑफ M1² प्लस M2², क्लियर है। तो देखो मैंने वही करा है कि 12 रखा है, 10.58 रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 plus M² प्लस M2², M1 की जगह क्या रख देंगे, जो हमें दिया हुआ था मॉड्यूलेशन इंडेक्स, दूसरे का निकालना है तो M2। जब इसको सॉल्व करोगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो M2 की वैल्यू आएगी 0.41, ठीक है, तो ये यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, इसके बाद एक और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, PC हमें इतना दिया हुआ है, परसेंटेज मॉड्यूलेशन दिया हुआ है, PAM पूछा है। PAM होता है जो सिंपल आप PT निकालते हो, वो PAM होता है, तो यहाँ से हमने PAM निकाल दिया, क्योंकि M है PC है, तो यहाँ से हमारा आ गया 600 वाट, जो होता है PT, क्लियर है। और यही PT को हम क्या कह देते हैं, PAM कह देते हैं, ठीक है, और PAM लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें निकालूंगा PDSBSC, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था M² PC/2, इसको भी इनक्लोज करने के लिए कहा था, ठीक है। ये सब पिछले वीडियो में जाके देखो, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से मैंने क्या कहा है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, PC की वैल्यू 400 / 2 रख दिया है, आंसर आ गया 200 वाट। निकालना क्या था, टोटल पावर सेविंग निकालनी थी इसमें, तो पहले PM निकाला, PDSBSC निकाला, और अब पावर सेविंग निकालेंगे। तो देखो इसमें 600 हुआ है, इसमें 200 हुआ है, तो दोनों में से माइनस कर देना, तो PT माइनस PDSBSC, तो 400 वाट की हमने सेविंग करी है किस टेक्निक में, PDSBSC में 200 ही खर्च हुई सिर्फ, क्लियर है। तो ये DSBSC में थोड़ी पावर हमारी सेव हो गई।
ठीक है। अब अगर मुझे इसमें SSBSC पूछी जाएगी तो SSBSC m2 PC/4 हो जाएगी, ठीक है। और इसको होमवर्क मैंने लिख दिया है क्योंकि आप खुद कैलकुलेट करना, यहाँ पे पूछा नहीं है तो ये मैंने बता दिया है कि इस तरीके से कैलकुलेट होगा अगर SSBSC पूछी जाएगी, ठीक है। अगला है कैलकुलेट द परसेंटेज पावर सेविंग व्हेन द करंट कैरियर इज सप्रेस्ड बाय SSBSC इन AM मॉड्यूलेटेड वेव टू अ डेप्थ ऑफ, तो M की वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज पावर सेविंग पूछी हुई है, तो यहाँ से देखो PT जो है PC का 1+m2/2 करोगे तो PC की वैल्यू 1.5 PT आ जाएगी, ठीक है। तो PT की वैल्यू ये किसके लिए आई है, फॉर द नॉर्मल दैट इज AM वेव, ये किसके लिए है, फॉर द PAM, ये क्या है एक तरीके से, और PAM जो ऊपर लिखा था, ठीक है। अब PSSBSC निकालेंगे तो m2 PC/4, तो M की जगह 1 रखोगे क्योंकि डेप्थ कितनी है 100% है, 100% किसे दिखाता है 1 को, तो M 1 हो गया। PC की वैल्यू क्योंकि परसेंट में नहीं रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज का 100 से, तो आंसर आता है M का, ठीक है। M की वैल्यू 1, PC की वैल्यू अपॉन में 4 है, तो 1/4 क्या हो गया 0.25 PC हो गया। अब दोनों में पावर सेविंग निकालनी है तो परसेंटेज पावर सेविंग इसका माइनस इसकी वैल्यू डिवाइड बाय टोटल की वैल्यू, तो दैट इज 1.5 PC माइनस 0.25 PC अपॉन में 1.5 PC। अब ये परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दिया तो आंसर आ गया 0.83 इंटू 100 डिवाइड बाय इंटू 100, तो आंसर आ गया 83%, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर से कंप्लीट होते हैं, इसके अलावा इसके बाहर न्यूमेरिकल इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। और आज के लिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।